नहीं कि आज के एपिसोड को मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरा के पूरे एपिसोड का जो हाईलाइट था वो थी किंजल। सीरियसली किंजल जिस तरीके से आज पंजाबी लुक में किलर लग रही थी, आई डोंट नो व्हाई मेकर्स ने किंजल को मेन लीड में क्यों नहीं लिया, क्यों प्रतीक्षा को उठा दिया मेन लीड रोल के लिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आया पर्सनली, क्योंकि किंजल एक्चुअल में लीड रोल के लायक है। एक्सप्रेशंस हो गए, जिस तरीके से मतलब डायलॉग्स होते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जो भी चीज़ वो सब भाई एक से बढ़कर एक है। बट मुझे सच में समझ में नहीं आता, मैं कई बार खुद कंफ्यूज होता शो देखते देखते कि यार किंजल को यार साइड रोल क्यों दिया गया, यार किंजल को मेन लीड रोल देना चाहिए था। इतनी बेहतरीन एक्टर है वो, बहुत ज्यादा बेहतरीन एक्टर है। एंड आज का मैं बोल सकता हूँ कि पूरे के पूरे शो की मेन हाईलाइट थी किंजल, क्योंकि प्रतीक्षा का कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला और काव्य का भी कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला, तो जल कुकड़ी होती जलती रहती है। रवि और आदि का जो था वो सीन मुझे और पसंद आया थे किंजल के बाद, वो दूसरा मैं बोल सकता हूँ आज का हाईलाइट था। और जिस तरीके से आदि धीरे 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 फ्लैटर हो रहा है भाई साहब किंजल के ऊपर, लग रहा है भाई आने वाले एपिसोड में किंजल विल बी द नेक्स्ट बहू ऑफ द रंधावास। एंड सीरियसली मुझे बड़ा मजा आएगा जब बहन बहन और भाई भाई पूरे घर के अगेंस्ट में होंगे, वो सेटिस्फेक्शन नेक्स्ट लेवल का होगा कसम से। एंड आज एक और भाई सबसे बड़ा हाईलाइट मुझे देखने को मिला, रवि के पापा ने आज भाई मंदीप के ऊपर अपनी वाइफ के ऊपर चिल्ला दिया और भाई बोल दिया शराब, चुप रहो, चुप रहे आप। आई मजा आ गया, क्योंकि सीरियसली बंदीप को चुप होना चाहिए। वो बंदी काव्या काव्या कर रही, लेकिन काव्या के अलावा उसने रवि को भी ध्यान नहीं दिया, उसने रवि के बारे में भी नहीं सोचा। मैं तो ये सोच रहा हूँ मतलब कैसे नहीं सोचा यार, सीरियसली कैसे नहीं सोचा। एक मतलब बंदा होता है कि चलो काव्या के ऊपर फोकस कर रहा है, ओके फाइन, बट अपने बेटे को कैसे भूल गई, अपने बेटे के साथ क्या क्या हो रहा है वो कैसे भूल गई, ये चीज मुझे समझ में नहीं आया। एंड ये चीज मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी स्टार्टिंग से, लेकिन आज जिस तरीके से रवि के पापा भड़े के और फूटे, और भाई साहब जो मजा आया ना देखने में, आया है भाई साहब कसम से नेक्स्ट लेवल का भाई सेटिस्फेक्शन था आज इस पूरे शॉट को देखने में, कसम से बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का मुझे सेटिस्फेक्शन देखने को मिला। और आने वाले एपिसोड में अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी कैसे क्या चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आदि का अट्रैक्शन बढ़ रहा है किंजल की तरफ, रवि प्रतीक्षा को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, प्रतीक्षा भी अपने मन को बोले कि नहीं उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो चीज़ें जिस तरीके से चल रही है उसको देख के मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ आने वाले एपिसोड के लिए। बाकी भाई देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा एक बात थोड़ी सी अजीब सी लगी, रवि का कुछ ज्यादा आज हमें देखने को नहीं मिला, जो पर्सनली मैं चाहता था कि थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि रवि का आज कुछ ज्यादा सीन देखने को नहीं मिला। सेम प्रतीक्षा का भी नहीं देखने को मिला, जो देखने को मिला आदि रवि का, ठीक है, और रवि के पापा रवि की मम्मी का और किंजल का बस, और किसी का ज्यादा रवि और प्रतीक्षा का कुछ एक अच्छा सा देखने को मिला तो और भी ज्यादा मजा आता। लेकिन चलो आदि के साथ भी था वो भी बड़ा मजेदार था, कि आदि के छोटा है रवि बड़ा है। अब भाई ऐसे में आदि किसी और लड़की को ताड़े जा रहा है अपने बड़े भाई के सामने, बड़ा भाई सुना रहा है, वो बोल रहा है अरे यार बस, मतलब थोड़ा सा शांत होता है बड़े भाई की रिस्पेक्ट, लेकिन फिर क्या होता है फिर वो जो रवि होता है बोला अरे चल देख ले यार, उसी के साथ घुल मिल जाता है। ये चीज मुझे बड़ा देखने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड सीरियसली मैं चाहता हूँ कि इनका ये जो भाई वाला रिलेशनशिप है ना उसको थोड़ा और भी क्लैरिफाई कर, उसको थोड़ा और भी ज्यादा हाईलाइट किया जाए, ताकि चीजें और भी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगे और भी ज्यादा मजेदार लगे, सच बताऊं तो। बाकी भाई अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या लगता भड़कता ड्रामा होता है या फिर कुछ भी, आने वाले एपिसोड में कैसे चलेगा। लेकिन जब तक आप हमें कमेंट करते हैं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और क्या आप भी ये चाहते हैं कि किंजल का रोल प्रतीक्षा को दे दिया जाए, प्रतीक्षा का रोल किंजल को दे दिया जाए, रोल स्विच होने चाहिए, कमेंट करके इसके बारे में भी जरूर बताएं। उसी तरीके से गणपति के आने वाले सभी एपिसोड्स के रिव्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको मिस ना हो हमारा कोई भी।